वेलकम टू एक्सपर्ट ऑन वन. नाजरीन, आज सुबह ही हमने अनाउंस किया था दैट वी आर फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन. और इतने दिनों से जो हम समर कैंप्स और बच्चों की एक्टिविटीज की बातें कर रहे थे, तो वी सेड के आप लोगों की जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी उसके लिहाज से वील कॉल सम एक्सपर्ट्स जो इस मसले का हल बताएंगे पेरेंट्स को. सो हमारे साथ मुस्लिम और हुमैरा सैयद दोनों मौजूद हैं, तिराना समर कैंप सरगम के नाम से. मुस्लिम को तो आप देखेंगे तो पहचान लेंगे, आपको सारे फूल बूटे ही याद आ जाएंगे. मेरे नहीं आए वैसे अभी तक. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? वेयर इज माय बुके? वो आज बना लिया था सुबह मैंने तो. और फिर आप भूल गए? नहीं, मैं भूला. आपकी नजर आपकी बेगम पे पड़ी और आपने कहा छोड़ो बुके इसको दे देता हूं. बेगम ने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और मैंने फौरन बुके रख दिया. नॉट एट ऑल, नॉट ऑल. आई कैन जज पीपल. हुमैरा बिल्कुल इस तरह की नॉट एट ऑल. थैंक यू फॉर कमिंग टुडे हुमैरा, आपने वक्त निकाला. अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि समर कैंप का आइडिया कहाँ से आया था. समर कैंप बेसिकली एक एक इन हाउस कर हमने इस तरह से बनाया कि बच्चे जो हैं अंडर वन रूफ दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड एट द सेम टाइम अपनी वेकेशंस भी बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं. क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि रेगुलरली तो दे आर गोइंग टू स्कूल, बट व्हेन समर्स कम तो ऑल द टाइम द चिल्ड्रन आर सेइंग के वी आर गेटिंग बोर्ड. एट दैट टाइम वी नीड सम एक्टिविटी फॉर देम दैट कैन कीप देम बिजी एंड एट द सेम टाइम नॉट ओनली टू कीप देम बिजी दे शुड लर्न समथिंग न्यू एंड विदाउट रियलाइजिंग at times that they are learning. Because you know, you get sick of that same schedule throughout the year. Because agar aap unko ek fixed learning process mein dal do jahan unko ye lage ki oh iska to end mein koi result dikhana hai ya iska koi you know wo testing hogi ya amma abba puchhenge to wo fir wo withdraw kar jate hain, interest lose kar jate hain. Ha, lekin amma abba fir bhi dekh lete hain kyunki wo jab ghar jate hain to there is a change in them because whatever they are doing. Exactly. Not only that, we have activities like swimming, roller skating, karate, painting, even English, Urdu, maths is there. You know, it's like that. So when they go back home, तो parents को पता चल जाता है कि definitely हाँ exactly. क्योंकि swimming के लिए हम उनको फिर invite करते हैं parents को to come over and see what the kids have done. Oh, so all this is एक ही roof के under है, एक ही जगह पे. हाँ, नहीं except for swimming, we take them somewhere else. Otherwise, बाकी सब चीजें जो हैं वो सब हम वहीं पे cater करते हैं उनको. We give everything. तो Muslim, आपका कितनी contribution है to हमारा summer camp? क्या आप No, we are like, it's not Humaira summer camp at all. आज मैं वो आमना जरा सोच रहा था थोड़ा कम बोलूंगा. हमेशा शिकायत इनको ये होती है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये कम बोलता हूँ. नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ, मैं बीच में रोक से लूंगी, फिकर ना करें. तो बस ये है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हम जब लाए थे यहाँ पर. तो मैं इंटरेस्टिंग बात बताते चलूँ कि वी आर द पायनियर्स ऑफ समर कैंप इन पाकिस्तान. रियली? क्योंकि इससे पहले जब समर कैंप का जब मैं कहीं किसी के नाम लेता था तो वो कहते थे क्या ये कोई स्काउट की जम्बूरी करवा रहे हैं आप, जो कैंप फायर करवाएंगे आप. पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी. हाँ जी. तो जब हम इसको लेकर आए तो फिर लोगों में अवेयरनेस भी इसकी आई और फिर उसको देख के लोगों ने ट्रेंडसेट किया और बहुत से लोगों ने कैंप्स शुरू किए. और मैं कहता हूँ इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी साइन. क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चे थे वो जब समर्स आती थी तो कोई एक्टिविटी हेल्दी एक्टिविटी नहीं मिलती थी उनको. वो क्या करते थे, वो एग्रेशन पे आ जाते थे, घर में एक दूसरे को मारते थे. बड़ा छोटे को मार रहा है, छोटा उसको मार रहा है. तो वो एक और माँ दोनों को मार रही है. माँ दोनों को एनवायरनमेंट बन जाता था. तो मैं समझता हूँ उसको हमने रिलीफ किया और काफी उसमें हमने बेहतरी की है. माँ बाप जो है इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मिलती है. बिल्कुल. मुझे एक चीज बताएं मुस्लिम कि सुबह से यू नो हमारा प्रोग्राम बेस्ड था और कॉल्स भी आती हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि बच्चे जो हैं अब आउटडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेते. आई मीन देयर आर सर्टेन किड्स जो इतने या लेजी हो गए या माँ बापों ने उनको ट्यून कर दिया कि बाहर चोट लग जाएगी या फिर कोई खतरा है या गंदगी है या ये है और वो है. सो दे डोंट वांट टू स्टेप आउट, दे डोंट वांट टू बी एडवेंचरस, दे डोंट वांट टू. ये जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास यू नो रोलर स्केटिंग राइट और कराटे. सो वो एक्टिविटीज माँ बाप अपने बच्चों को बल्कि नहीं कराते. इसका जो एक थोड़ा सा पीछे जाए बैकग्राउंड पे इसके, तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक लंबे अरसे से जो एक अनसर्टेनिटी एक हमारी प्रिवेल की है, मतलब हमारे मुल्क में रही है कि इनसिक्योर लोग फील करने लगे हैं, बाहर बच्चों को भेजते हुए डर रहे होते हैं खैर से जाएं खैर से वापस आते हैं नहीं क्या. तो बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह पर थीं और हैं भी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है काफ़ी हद तक लोगों को ने वो पिछले हालात से हम लोग बेहतर बाहर निकले हैं. कुछ थोड़ा सा हमें जो है एक लॉ एंड ऑर्डर वाइज थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है. तो अब लोग फिर ये सोच रहे हैं, होता ही था इसका रिपरकशन जो है बच्चों में ये पड़ा कि देख confined themselves in the house and what they have started
टू स्टिक विद द कंप्यूटर और वो उसी में शुरू हो गया, उसमें गेम्स खेलने जो उनके लिए मैं समझता हूँ कि सेहत के नुक्ते नज़र से भी बहुत ही ख़राब है। एक बच्चा जो है सारा वक्त, अभी एक रिसर्च आई थी उसमें ये था कि जो अभी नर्वस डिसऑर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, वो ओनली दैट इज़ द मेन रीज़न कि बच्चे जो हैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे 5-5 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ कर गेम्स खेल रहे होते हैं। तो बहरहाल अब इनको इस प्लेटफॉर्म पर मैं समझता हूँ तमाम पेरेंट्स को मेरा ये पैगाम है कि आप ये सोचें इस बात को, और ये नहीं है कि वी आई हैव गॉट अ कैंप, देयर आर सेवरल कैंप्स गोइंग ऑन राइट नाउ। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेचुरली उनके पास सिलेबस का बोझ बहुत होता है जब एकेडमिक उनका सेशन शुरू हो जाता है, तो और फिर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो अभी है, इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों को उस वहां से निकालें और उनको उन एक्टिविटीज में इंडल्ज करें जो कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हैं, ना कि जहनी।